वेलकम बैक गाइस, कैसे आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वे प्रोटीन और कैसीन प्रोटीन के बारे में और समझेंगे साइंटिफिकली कि कौन सा प्रोटीन सोर्स बेटर है और क्यों है। इस टॉपिक पर वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मिथ हैं इस टॉपिक के रिलेटेड और इसके जुड़े काफी मिथ आपके आज बर्स्ट होने वाले हैं। गारंटी देता हूँ इस चीज की कि इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो पर नहीं जाना पड़ेगा, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप काफी चीजों को समझ सकते हो सिर्फ इस एक टॉपिक की हेल्प से जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब आप उसको बोर्ड पे देखिए और आपको समझ में आएगा कि क्या है वे प्रोटीन और कैसीन प्रोटीन की कहानी। देखो, वे प्रोटीन और कैसीन प्रोटीन, सबसे बेसिक चीज आप सभी को पता है कि ये दोनों ही आपका एक टाइप के प्रोटीन है और ये दोनों कहाँ प्रेजेंट है, ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं आपके मिल्क के अंदर। तो दोनों मिल्क के ही कंपोनेंट है, ठीक है। एक चीज आप ये भी जानते हो, देखो बताने की जरूरत नहीं है कि जो कैसीन प्रोटीन है और जो वे प्रोटीन है, ठीक है, अगर कोई भी प्रोटीन हो उसको हम कैसे समझते हैं कि वो जो प्रोटीन है किससे मिलके बना है। वो जो प्रोटीन बना है वो बने होता है आपके अमीनो एसिड से, ठीक है, अमीनो एसिड से। तो कोई भी प्रोटीन होगा उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स का ये बेसिक यूनिट है इसकी, किसी भी प्रोटीन की। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। देखो, एक चीज बहुत दिमाग से अपने दिमाग में अपने बिठा के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है कि ये जो अमीनो एसिड्स है ना, यही आपके प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अमीनो एसिड्स है, ये आपको यहाँ पर उसको कैटेगराइज कर सकते हो दो कैटेगरी के अंदर। कैसे? एक होते हैं आपके एसेंशियल, ठीक है, और एक होते हैं आपके नॉन एसेंशियल। ये बात आप सभी को पता है, इसमें कोई ज्यादा मुझे लगता है साइंस की जरूरत नहीं है या आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जिनको नहीं पता बस मैं बता देता हूँ, जो प्रोटीन है मिलकर बनाया अमीनो एसिड से, जो कि मेजर या मेन कंपोनेंट है आपके प्रोटीन के। और इस ये दो कैटेगरी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल प्रोटीन होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं आपके 9 और नॉन एसेंशियल होता है लगभग 11, ठीक है। अब ये जो टोटल 20 या 21 बोल सकते हो, क्योंकि एक जो अमीनो एसिड है इसको कोई स्टडीज कंसीडर करती है सेमी एसेंशियल में। सेमी एसेंशियल मतलब कि कुछ बॉडी में, कुछ बॉडी से बाहर से आपको लेना पड़ता है और कुछ पार्ट इसका बॉडी खुद बना लेती है। तो मैं इसको 11-9 में डिवाइड कर रहा हूँ, सिर्फ इतना समझो, मतलब कैटेगराइज कर रहा हूँ। अब समझने की कोशिश करना, जो नो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, अगर ये आपकी डाइट के अंदर है तो ये 11 एसेंशियल अमीनो एसिड आपकी बॉडी बना सकती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या, जो भी फूड सोर्स होगा जिसके अंदर ये सारे 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है ये, कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। अगर ये 9 प्रेजेंट होंगे, अगर ये 9 प्रेजेंट नहीं होंगे तो उनको हम क्या कंसीडर करेंगे, इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स। चाहे उसके अंदर 11 एसेंशियल अमीनो एसिड हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये 9 होने चाहिए। ये 9 कौन से, आपको सिंथेटिक भी रहेंगे। अब आगे देखो, अब भाई समझो फिर जो वे प्रोटीन और जो कैसीन प्रोटीन है, ये दोनों ही कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। हाँ, इन दोनों के अंदर ही वो सेम अमीनो एसिड चाहिए प्रेजेंट है, वो ये बोल सकते हो वो 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट है जो हमें हमारी बॉडी को चाहिए, एसेंशियल अमीनो एसिड। तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, अमीनो एसिड जो प्रोफाइल है वो क्या है, यहाँ पर कंप्लीट है। क्या है? कंप्लीट है। इसका मतलब अगर हम बोलें कि भाई दोनों के अंदर अमीनो एसिड पूरे, हाँ जी पूरे, बस आप कह सकते हो कि मेजर सा माइनर सा डिफरेंस होता है, माइनर सा डिफरेंस समझ सकते हो, 1% का डिफरेंस है। कैसीन के अंदर कुछ अमीनो एसिड के जो क्वांटिटी बोल सकते हो जनरली वो थोड़ी कम होती है। अब समझ वाली बात ये, अब उसको यहाँ पे कंसिडर ये कर सकते हो कि दोनों के अमीनो एसिड प्रोफाइल बिल्कुल सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने से माइनर से चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए कि जो वे प्रोटीन और जो कैसीन प्रोटीन है, इन दोनों की अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट है, वो सारे 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अंदर प्रेजेंट है जो आपकी बॉडी को चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो, अब हम भी किसी भी प्रोटीन सोर्स की अगर हम क्वालिटी चेक करते हैं तो हम उसको किस तरीके समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर ये दोनों सेम है तो इनमें डिफरेंस क्या होगा, तो हाँ इसमें डिफरेंस हम कैसे चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रोटीन सोर्स, हम पहले देखते हैं कि जो भी हम प्रोटीन सोर्स कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी आप प्रोटीन सोर्स यहाँ पे मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ सोया चंक का, कंपेयर अगर मान लो मैं वे प्रोटीन या किसी भी नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन से कंसिडर कर रहा हूँ, जैसे कि चिकन से, तो मान लो मैं चिकन कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं सोया चंक कंज्यूम कर रहा हूँ, दोनों ही कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, तो इनमें डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस ये होता है, सबसे पहली चीज, जो भी आप फूड सोर्स खा रहे हो, अगर मैं बात करूँ वे प्रोटीन कैसीन प्रोटीन के केस के अंदर, तो अगर मान लो मैं वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ, चाहे मैं कैसीन प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ, इनमें से डाइजेस्ट कौन अच्छे से हो रहा है, मतलब कि हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट कर पा रही है अच्छे से कि नहीं कर पा रही है, डाइजेस्ट ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए हेल्दी है या नहीं है, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम इसको डाइजेस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो अगर मैं बात करूँ वे प्रोटीन कैसीन प्रोटीन की, हमारी बॉडी दोनों को ही आराम से क्या कर लेती है, डाइजेस्ट कर लेती है। अब एक यहाँ पे एक्सेप्शन ऐड कर देता हूँ, जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है, ध्यान सुनना, उन लोगों के केस के अंदर उन्हें वे प्रोटीन, खासकर कॉन्सेंट्रेट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उनको डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। सेम इसी तरीके से कैसीन के अंदर भी डिफरेंट इनके टाइप होते हैं, तो यहाँ पर जिसके अंदर भी कार्ब्स प्रेजेंट होंगे, कार्ब्स वाला पोर्शन होगा, तो उनको डाइजेस्ट नहीं होगा।
ठीक है, कार्ब्स बोल सकते हो या बोल सकते हो आपकी जो मिल्क शुगर बेसिकली जो पाई जाती है वो मिल्क शुगर होती है, वो कार्ब्स फॉर्म के अंदर ही होती है आपके मिल्क के अंदर, ठीक है, वो कार्ब्स ही है बेसिकली, आप जो मिल्क जो शुगर जैसा बोलते हो वो कार्ब्स ही है, ठीक है, ठीक है, तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता। तो सिंपल इन वन वर्ड भाई, वे प्रोटीन ले लो या कैसिन प्रोटीन ले लो, दोनों ही हमारी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर लेती है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब क्या फर्क, दूसरा क्या है भाई, ये एब्जॉर्ब कितने अच्छे से हो रहा है, कितने अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है भाई, डाइजेस्ट तो कर लिया, हमारी बॉडी को कितने अच्छे से एब्जॉर्ब यूटिलाइज कर पा रही है, सिंपल वर्ड में कितने अच्छे से बॉडी को यूज कर पा रही है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। अब बताओ कि दोनों का रेट दोनों सेम है, दोनों हमारी बॉडी डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब अच्छे से यूज कर पाती है, यूटिलाइज कर पाती है, हाँ जी दोनों को कर पाती है। अब आपने कहा सर जो ये दोनों को कर पा रही है, जब ये दोनों को कर पा रही है तो फिर क्यों हम यहाँ पे इसको वे प्रोटीन और कैसिन प्रोटीन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों सेम है? नहीं, सेम नहीं है। क्यों? देखो मैं कह रहा हूँ डाइजेशन भी इसका अच्छा है, ठीक है, और इसको हमारी बॉडी यूज भी अच्छे से कर पा रही है, मतलब यूटिलाइज कर पा रही है, अच्छे से बॉडी के अंदर यूज भी हो रहा है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पर रेट, रेट मतलब कि किस दर से। अगर मैं वे प्रोटीन की बात करूँ तो वे प्रोटीन जब हमारी हम इसको टेक लेते हैं तो हमारी बॉडी इसको बहुत जल्दी डाइजेस्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है, और एमिनो एसिड की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी को वो बहुत जल्दी जल्दी देती है, ठीक है, मतलब कि बॉडी के अंदर एमिनो एसिड की जो रिक्वायरमेंट है जल्दी जल्दी प्रोवाइड कराती है, तो जल्दी से एमिनो एसिड आपके ब्लड के अंदर पहुंच जाते हैं और फिर उसके बाद वो आपके लिवर के थ्रू जहां जहां पर रिक्वायरमेंट होती है वहां पहुंच जाते हैं। इसका मतलब अगर आप समझो तो एमिनो एसिड जल्दी कौन दे रहा है? वे प्रोटीन दे रहा है, और कैसिन प्रोटीन थोड़ा स्लो दे रहा है। तो इससे क्या कोई इंपैक्ट पड़ेगा हमारे मसल बिल्डिंग गोल्स के ऊपर या फैट लॉस गोल, कुछ भी गोल कह सकते, क्योंकि हमें मेन तो प्रोटीन हमें चाहिए ना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए, हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब यहाँ पर क्वेश्चन यही आता है कि भाई जब दोनों जब ये अच्छे से डाइजेस्ट हो पा रहा है, अच्छे से हमारी बॉडी को यूटिलाइज भी कर पा रही दोनों चीज, तो क्या इससे बस फर्क क्या है कि ये थोड़ा जल्दी एमिनो एसिड प्रोवाइड कर रहा है, थोड़ा लेट कर रहा है, क्या इससे हमारे मसल बिल्डिंग गोल पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब यहाँ पे एक चीज समझना, अब यहाँ से शुरू होती है मार्केटिंग, प्रोडक्ट की मार्केटिंग। हम शुरू से क्या सुनते आ रहे हैं, अगर हम वे प्रोटीन अगर हम डाइट में लेते हैं, मतलब अपने डेली के रूटीन में रखते हैं, जस्ट आफ्टर वर्कआउट के बाद हम पीते हैं, वो तभी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी आपके ब्लड के अंदर पहुंच जाता है और एमिनो एसिड आपकी बॉडी को प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। ये बात सही है कि बहुत जल्दी ब्लड के अंदर पहुंचता है और एमिनो एसिड बॉडी को प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। एमिनो एसिड कह सकते हो कि आपकी बॉडी के अंदर यहाँ पर सेल से वहां तक पहुंच भी जाता है, ठीक है, तो ये चीज हकीकत है कि वे प्रोटीन बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, कैसिन प्रोटीन बहुत ज्यादा स्लो होता है, बहुत ज्यादा स्लो इन द सेंस कि इससे आप ऐसे समझ सकते हो कि ये लगभग आपके बॉडी के साथ 4 से 5 घंटे लेता है, ये 6 से 7 घंटे लेता है कंप्लीटली एमिनो एसिड प्रोवाइड कराने में, ठीक है, जो भी आपने कंटेन किया है। तो इस केस के अंदर क्या हुआ, इसका मतलब तो भाई हमें फिर वे प्रोटीन लेना चाहिए, क्यों? वे प्रोटीन जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज हम किस पे बात कर रहे हैं कि अगर मान लो हम वे प्रोटीन या कैसिन प्रोटीन ले रहे हैं, इससे हमें बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं? तो बेनिफिट तो बस यहाँ पे एक दिखा गया कि जल्दी से एब्जॉर्ब हो रहा है, बट क्या इससे हमारे मसल बिल्डिंग प्रोसेस पे फर्क पड़ेगा कि हमारी मसल बिल्डिंग जल्दी हो पाएगी, जल्दी जल्दी मसल बिल्ड होगा? तो इसके पीछे का रीजन है नो। मेन चीज इज कि भाई आप चाहे वे प्रोटीन लो चाहे आप कैसिन प्रोटीन लो, ठीक है, मैं हमारी बॉडी को सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट चीज क्या, एमिनो एसिड। अब ऐसा नहीं है कि आपने वे प्रोटीन पिया, एमिनो एसिड जल्दी से ब्लड के अंदर बढ़ गए, और बढ़ गए इन द सेंस कि लेवल उनका इंक्रीज हो गया और वो जल्दी से आपकी मसल सेल तक पहुंच गया, अब मसल बढ़ना जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस, इसको सिंपल वे में समझ सकते हैं, मसल बिल्डिंग प्रोसेस है, जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस में लिख देता हूं, जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस, ध्यान से सुनना, सिंथेसिस प्रोसेस है, अगर वो स्टार्ट होगा, ध्यान सुनना, अगर वो स्टार्ट होगा तो उसका इंपैक्ट चाहे वे प्रोटीन लो चाहे कैसिन प्रोटीन लो, उसका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि इसको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या, इसको चाहिए सिर्फ एमिनो एसिड, चाहे वो कैसिन से चले मिले चाहे वे प्रोटीन से मिले। अगर आप वे प्रोटीन ले लोगे तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, मसल बिल्ड, हम सिंपल वे में समझ सकते हैं, मसल बिल्डिंग प्रोसेस जो है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं है कि वे प्रोटीन लेने से ये बहुत फास्ट हो जाएगा, एकदम से होगा, नहीं, ये उसी रेट पे काम कर रहा है जिस रेट पे काम कर रहा है। मतलब कि अब चाहे वे प्रोटीन लो चाहे आप कैसिन प्रोटीन लो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस पे। आपका मसल बिल्डिंग नेचुरली जो रेट है उस रेट से ही होगा, ठीक है, और वही टाइम टेकन होगा, मतलब वही प्रोसेस, जो प्रोसेस है उसमें वही टाइम लगेगा जो बॉडी लेती है, ठीक है। वे प्रोटीन या कैसिन प्रोटीन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप कहोगे सर फिर क्या हुआ, फिर ऐसे तो कोई इसका मतलब तो कैसिन प्रोटीन लेने का भी कोई फायदा नहीं तरीके से, मतलब अगर हम देखें तो वे प्रोटीन लोगे तो भी वही प्रोसेस उसी रेट से चलेगा, कैसिन लोगे वो भी उसी रेट से चलेगा। मैं कहा हाँ, लेकिन ये जो प्रोसेस है मसल प्रोटीन सिंथेसिस, इसका इंपैक्ट कौन कर रहा है, क्या ऐसा चीज है जो इसको इंपैक्ट कर रही है? ये तो समझ में आ गया कि एमिनो एसिड चाहिए, तो एमिनो एसिड जरूरी थोड़ी नहीं है कि आप वे प्रोटीन से लो या कैसिन प्रोटीन से लो, यार डाइट भी तो ले रहे हो। मतलब कि अगर मान लो मैंने एक मील कंज्यूम करी थी आपसे अभी 5-6 घंटे पहले, मान लो मैंने अपना लंच किया था, तो लंच करने के बाद मैंने मान लो चिकन कंज्यूम या कोई भी फूड प्रोटीन सोर्स फूड मैंने कंज्यूम किया था, तो वो भी तो एमिनो एसिड प्रोवाइड करा रहा है ना।
तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंटिन्यूअसली, ध्यान सुना, कंटिन्यूअसली एमिनो एसिड आपकी बॉडी को मिलते रहे। क्या मिलते रहे? कंटिन्यूअसली एमिनो एसिड। तो जो कंटिन्यूअसली एमिनो एसिड है वो कब मिलेंगे? जब आपकी जो मील्स है, जितनी भी आप मील कंज्यूम करें उसके अंदर एक एडुकेट अमाउंट के अंदर आपने प्रोटीन अपना लिया होगा, ठीक है। तो खाली एक प्रोडक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब वे प्रोटीन ले लो चाहे कैसीन प्रोटीन ले लो, बात एक ही है, आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसी रेट पे चलेगा जिस रेट पे से चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन दोनों के प्राइस में अगर चेक करो तो प्राइस में डिफरेंस क्या है कि भाई ये जो वे प्रोटीन है ये थोड़ा महंगा आता है और ये सस्ता आता है। अब मार्केट में अब हुआ गया, जैसे जैसे लोग स्टडीज आती जा रही है तो लोग क्या कर रहे हैं, जो सप्लीमेंट्स कंपनी वो कैसीन प्रोटीन को भी मार्केट में ले आए, अब उसको मतलब उसकी ज्यादा प्रमोशन कर रहे हैं, बोल सकते हो उस पर ज्यादा मार्केटिंग पे पैसा खर्च कर रहे हैं। और कहता है कैसे खर्च, और पता कैसे खर्च कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप कैसीन प्रोटीन को रात में लेके सोगे, मतलब रात में पी के सोगे, तो आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहली चीज समझो, मैं जो मैंने आपको समझाया, आप चाहे कैसीन प्रोटीन लो चाहे आप वे प्रोटीन लो, मसल प्रोटीन सिंथेसिस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप कैसीन प्रोटीन अगर आप रात में ही पीते हो तो उसका बेनिफिट पता है कब है? अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपकी पूरे दिन में मील स्किप हो गई किसी रीजन से, ज्यादा मील आपकी प्रोटीन की अमाउंट जो आपकी बॉडी को चाहिए थी वो पूरी तरह से आप फुलफिल नहीं कर पाए, तो अगर आप रात को कैसीन प्रोटीन ले लेते हो तो डेफिनेटली वो आपको क्या करेगा, धीरे धीरे स्लोली स्लोली एमिनो एसिड प्रोवाइड कराता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर प्रोटीन वेस्टेज की चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में तो जब आपकी बॉडी के अंदर, जहाँ सुनो, जब आपकी बॉडी के अंदर एमिनो एसिड प्रोफाइल मतलब सॉरी जब आपकी बॉडी के अंदर एमिनो एसिड की कमी है या प्रोटीन की अभी रिक्वायरमेंट पूरी पूरी नहीं हुई है, तो चाहे आप कैसीन ले लो चाहे वे ले लो, तो भी बात एक ही है। तो सिंपल इन वन वर्ड ये सिर्फ मार्केटिंग के तरीके हैं कि इनको डिफरेंट दिखाना, किस केस के अंदर कि भाई ये प्रोटीन मसल सिंथेसिस जल्दी बढ़ाता है जब इसको आफ्टर वर्कआउट लोगे, तो लोग कह रहे हैं भाई आफ्टर वर्कआउट लो वे प्रोटीन आफ्टर वर्कआउट। अब मार्केट जो कंपनी से एक और वर्ड ऐड कर दिया, भाई सोने से पहले लो, बिफोर बेड लो अपना कैसीन प्रोटीन। तो ये सब सिर्फ क्या है, ये सब कुछ चीजें सिर्फ मार्केटिंग के तरीके हैं। जो डिफरेंस था मैंने आपको बता दिया भाई, इन ये दोनों के अंदर सिर्फ डिफरेंस है इसके रेट का कि कौन कितनी तेजी से आपका एमिनो एसिड प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। और चाहे कितनी भी देर से एमिनो एसिड प्रोवाइड करा है आपकी बॉडी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को। मैंने बोला डाइजेस्टिविटी और इसके कितनी बॉडी इसको अच्छे से यूज कर पा रही, इसको एक स्कोर से चेक करते हैं कि इसका क्या स्कोर है। इसको बोलते हैं PDCAA स्कोर, ठीक है। तो इस स्कोर के थ्रू आपको क्या पता चलेगा, कोई भी प्रोटीन सोर्स आप कंज्यूम करें उसकी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी और उसकी एमिनो एसिड प्रोफाइल कैसी है। तो इन दोनों की जो डाइजेस्टिबिलिटी और एमिनो एसिड प्रोफाइल है बहुत अच्छी है और दोनों की सेम है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इसको एक वन वर्ड में और समझ सकते हैं, बायो अवेलेबिलिटी भी बोल सकते, दोनों की सेम है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ तक वीडियो को लेकर आया हूँ तो यहाँ पे एक चीज समझा देता हूँ। अगर आप वे प्रोटीन ज्यादा लेते हो और अगर आप कैसीन प्रोटीन ज्यादा लेते हो, ज्यादा इन द सेंस कि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन आप फिर भी आप कंज्यूम करे जा रहे हो, तो उस केस के अंदर जो वे प्रोटीन है वो जल्दी आपकी बॉडी के अंदर बोल सकते हो कि कन्वर्ट होगा फैट में या फिर एनर्जी में, ठीक है। अब उसको समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है, ठीक है। और अभी तक के लिए मैं जो मैंने आपको बताया कि वे प्रोटीन के बारे में और जो कैसीन प्रोटीन के बारे में, ये इनफ है आई थिंक आप लोगों को ये समझाने के लिए, इनमें कोई बेसिक मेजर डिफरेंस नहीं होता। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। अब देखो वीडियो जैसे खत्म करने वाले हैं, जैसे आप जानते हो क्लासेस होती है हमारी, तो ये नॉर्मल कोई वीडियो तो होती नहीं, तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आप लोगों को एक चीज वन बाय वन। अगर कहीं भी आपको लगता है कुछ कमी है कुछ छूट गया तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। और हाँ, अब आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, न्यूज बेसिकली अनाउंसमेंट कर देता हूँ एक बार, कि आप सभी जानते हो जैसे कि 13th मई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है ACPT प्रिपरेशन क्लासेस का, 13th मई, ठीक है। डेट फाइनल आप सभी को जैसे पता भी हो, काफी स्टूडेंट्स ने एनरोल कर भी लिया है। देखो काफी स्टूडेंट्स ने जब मैंने पहले बैच के लिए ऑफर दिया उनके डिमांड पे ही दिया था, तो उस टाइम काफी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो ऑफर दिया लोगों के काम है, लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अब आप में से काफी लोग जो है जो ये सोच रहे हैं कि यार दोबारा ऑफर आएगा फिर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान सुनना, आप ना बहुत इस चीज को समझो कि अगर मैं प्राइस को बहुत ज्यादा ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। आपको लगता है कि यार आपको क्या लगता है कि क्वालिटी मैटर करती है या फिर क्वांटिटी? फिर सिंपल इन वन वर्ड, क्वालिटी मैटर करती है कि आपको क्वालिटी पे काम करना है। तो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है या फिर जो भी मैं प्रैक्टिकल क्लासेस जो आपकी कंडक्ट कराना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे सारी चीज अरेंज करनी पड़ती है, मेरी टीम को करनी पड़ती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि सर फीस और ज्यादा कम कर दो या उतनी ही कर दो इतनी पहले थी, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि यार अगर आप अपने करियर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसी का इन्वेस्ट करो जहां पर क्वालिटी अच्छी मिल रही हो। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है या हमारी सर्विस अच्छी लग रही है तो आप हमसे पढ़ो, अदरवाइज जिसकी चीज उस पर पढ़ो। यहाँ पे पैसों का मैटर नहीं है, यहाँ पर आप ध्यान रखो इस चीज का कि आप अपने करियर की बात कर रहे हो, ठीक है। तो 13 मई से बैच स्टार्ट है आपके ACPT का। तो पहली इन्फॉर्मेशन तो ये, तो अगर जिन लोगों को ज्वाइन करना है
तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बैच है ये मेरा अब इस समझ समझ सकते हो कि ये मेरा ये लास्ट बैच है। लास्ट बैच इन द सेंस कि इसके बाद मैं लगभग 6-7 महीने तक कोई बैच मैं अपने एसीपीटी का स्टार्ट नहीं करूंगा, और ये वीकेंड बैच है, इसलिए मैंने वीकेंड बैच रखा कि ज्यादातर स्टूडेंट ज्वाइन कर पाए जो वीकेंड में पढ़ना चाहते हैं मेरे से। तो इस बैच को ज्वाइन करिए, अभी जाइए टीम से कॉन्टेक्ट करिए। हाँ एक चीज बोल सकता हूँ कि अगर आप जाके कॉन्टेक्ट करते हो तो डिस्काउंट के अंदर आपको कुछ एक ऐसी डिस्काउंट तो नहीं बोलूंगा कि आपको पहले से डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन हाँ कुछ चीज ऐसी आपको मिलने वाली है, अगर आप उनसे बात करोगे तो आपको बताएंगे कि हाँ आपके लिए एक्स्ट्रा ऑफर में क्या है। ठीक है, तो जाइए उनसे पूछिए कि ऑफर में आपको और क्या मिल रहा है, ये जो कोर्स है जो ये आपका, आप जो एसीपीटी करने वाले हो, उसकी प्रिपरेशन क्लासेस लेने वाले हो, इसके साथ एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है वो आपको मिल सकता है। तो जाकर पता करिए एक बार टीम से, ये कॉन्टेक्ट करिए, और जितनी जल्दी कर लोगे उतना ज्यादा बेनिफिट है आप लोगों के लिए। तो कोशिश करिए कि जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करिए। अब एक और अनाउंसमेंट सुन लो, टेस्ट सीरीज है, जैसे कि टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, ठीक है, एक हमने, ठीक है, जो लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं और जो लोग हमसे ऑफलाइन भी, सॉरी ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए टेस्ट सीरीज है। तो जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और बैच में भी पढ़ रहे हैं और जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, अगर उनको लगता है कि भाई मेरी प्रिपरेशन ठीक ठाक हो चुकी है, मैं सेल्फ स्टडी करके, जो ऑनलाइन वाले हैं ठीक है और जो मुझसे बैच में इंक्लूड हैं वो तो मुझसे पढ़ ही रहे हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा आप लोग टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करिए, ठीक है, जो लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। और लास्ट अनाउंसमेंट क्या है कि भाई इस संडे आप जानते हो जैसे कि मैं फैट लॉस वर्कशॉप लेके आऊँ, उस वर्कशॉप के अंदर में एक एक चीज आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए जो फैट लॉस में जरूरी है वो सारी चीजें उसमें कवर करने वाला हूँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस वर्कशॉप के बाद आपकी नॉलेज इतनी एनहेंस हो जाएगी ना कि आप फैट लॉस एक्सपर्ट ही बन जाओगे, ठीक है। तो जो लोग इस वर्कशॉप के अंदर आना चाहते हैं तो वो उस वर्कशॉप को भी ज्वाइन करिए। तो वर्कशॉप का ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी जो टेस्ट सीरीज वगैरह है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँ, अदरवाइज आपको एप्लीकेशन पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और रही बात एसीपीटी बैच के बारे में, जो उसको जो लोग एसीपीटी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनको मैं कहूंगा ज्वाइन जरूर ज्वाइन करिए, जो लोग अभी फिलहाल में सोच रहे हैं ज्वाइन करने की, तो जाके जल्दी से टीम को कांटेक्ट करिए और उनको जाकर अपना अपनी अपनी क्या था अपनी सीट बुक करा लीजिए, ठीक है। तो गाइज यही थी आज की क्लास और यही थी एक इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर, बाय।